हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में बायो है उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आज मैं दो टॉपिक के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और कम से कम तीन से चार क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आने की पूरी संभावना है तो मैं बिल्कुल विधिवत रूप से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा एमसीक्यू क्यू भी करवाऊंगा लेकिन हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा तो इसलिए शुरू करते हैं आज की एम सी क्यू ध्यान से सुनना यहां से बहुत से बच्चों की गलतियां होती है आप नहीं करेंगे मुझे पूरा भरोसा है पहला क्वेश्चन क्या है देखो पहला क्वेश्चन है मृदा से पौधों को सर्व सुलभ जल उपलब्ध होता है यानी मेरे दोस्तों सोइल में वो कौन सा वाटर है सोइल में वो कौन सा वाटर है जो प्लांट को इजीली मिल जाता है बताओ देखें एक तो कैपिलरी वाटर है ठीक है ना मेरे दोस्तों अब दूसरा तो मैं अगर कहूं तो भी मुझे कहने की जरूरत नहीं ठीक है मेरे दोस्तों जब मैंने एक कैपिलरी वाटर बोल दिया दूसरा अपवाहित हो गया आदरता ग्राही हो गया ठीक है ना और गुरुत्वीय जल बो बोलो देखें कौन सा राइट ऑप्शन होगा सर राइट ऑप्शन तो कैपिलरी वाटर होगा कैसी का जल होगा यही बड़ी इजीली प्लांट को मिलता है ठीक है ना? इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों अब आप कहोगे सर अपवाहित जल क्यों नहीं मिलता अरे भैया अपवाहित का मतलब ऐसा वाटर जो कि तालाब में नदी में बहकर चला गया अब अगर कोई वाटर रिवर में चला गया तो वो कैसे प्लांट को मिल सकता है भले और आदरता ग्राही मॉइस्चर जो होती है उसको कैसे प्लांट ले लेंगे मेरे दोस्तों नहीं ले सकते और गुरुत्वीय जल तो गुरुत्व के प्रभाव के कारण ग्रेविटी के कारण नीचे चला गया तो वो भी प्लांट कैसे ले लेगा भला तो वो लेगा कौन सा जल कैपिलरी ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे दोस्तों मूल रोम के किस भाग में जल अवशोषण होता है यानी मूल रोम का यानी रूट जो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा उस रूट पर जो रूट हेयर पाए जाते हैं उसका कौन सा वो पार्ट है जहाँ वाटर का जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है जहाँ जल अवशोषित होता है बताओ देखें वो रूट का एपेक्स है कि मेरे दोस्तों वो एलोगेशन ग्रोथ रीजन है तो बताइए देखें या वो रूट हेयर जोन है मेरे दोस्तों कौन सा जोन है जल, जल्दी बताओ देखें वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर मेरे दोस्तों इस प्रकार से जल अवशोषण होता है और आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं ठीक है आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं जल्दी बताइए देखें मूल रोम के किस भाग के अंदर जल का अवशोषण होगा मूल शीर्ष में होगा कि मूल रोम क्षेत्र में होगा कि वृद्धि क्षेत्र में होगा कि चौथे ऑप्शन को देख लो आप लोग जो है आपके परिपक्वन क्षेत्र में होगा जल्दी बताओ देखें कौन से क्षेत्र में होगा पहले मैं यहाँ पे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं अगर ये कोई मूल है मेरे दोस्तों तो मूल का सबसे अंतिम भाग होता है मूल गोप ठीक है मूल गोप के ऊपर वाला भाग है मूल शीर्ष मूल शीर्ष के ऊपर की तरफ मेरे दोस्तों जो है ग्रोथ क्षेत्र होते हैं वर्दी क्षेत्र होते हैं और वर्दी क्षेत्र के जस्ट ऊपर दोस्तों मूल रोम होते हैं रूट हेयर है इस प्रकार से और जहां पे रूट हेयर होंगे वहीं तो वाटर एब्जॉर्ब होगा ठीक है ना चलो तो याद रखना रूट हेयर जो जोन होगा वहीं पे वाटर एब्जॉर्ब होगा इसके बाद में प्लांट में अवशोषित जल का जाइलम उत्तक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाला है यानी मेरे दोस्तों ऐसा कौन सा पाथवे है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस पाया जाता है जो है वाटर जब मेरे दोस्तों प्लांट में एब्जॉर्ब होने के बाद जब जाइलम टिश्यू तक पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में किस पाथवे के अंदर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होता है किस पथ में सबसे ज्यादा अवरोध होता है तो याद रखना यहां पर तो मेरे दोस्तों एक ही ऐसा पथ होता है जिसमें सबसे ज्यादा अवरोध होता है और वो है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे ठीक है चलो इसके बाद और हाँ सिम्प्लास्ट पाथवे के तहत मेरे दोस्तों अगर आप वाटर को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं इसके द्वारा तो ऐसी परिस्थिति में आपको एनर्जी भी चाहिए और सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर जो है ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है ठीक है जबकि एपोप्लास्ट में ऐसा नहीं होता एपोप्लास्ट में दोस्तों डिफ्यूजन के द्वारा वाटर आगे बढ़ता है अगला जो प्रश्न है वो है रसारोहण का ससंजनवाद किसने प्रस्तुत किया सॉरी रसारोहण का ससंजनवाद सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया तो याद रखना मेरे दोस्तों रसारोहण को लेकर के जो सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत का एक और नाम है उत्सर्जन उत्सर्जन आकर्षण सिद्धांत ट्रांसपाइरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं और यह डिक्सन और जोली ने दी थी अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न है पौधों में रसारोहण के दौरान जल किस उत्तक से ऊपर चढ़ता है ऐसा कौन सा होता है मेरे दोस्तों जिससे वाटर ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होता है वाटर का पहले तो वाटर को कौन लेके जाता है मेरे दोस्तों जाइलम और जाइलम के कितने घटक हैं मेरे दोस्तों फोर कंपोनेंट है कौन कौन सा तो याद रखना मेरे दोस्तों एक तो ट्रैकिट्स दूसरी वेसल्स फिर जाइलम पेरेन एंड जाइलम फाइबर तो जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं इन चारों में से जाइलम के ट्रेकिड एंड जाइलम की मेरे दोस्तों पैरेन का ही सॉरी ट्रेकिंड एंड जाइलम की जो वेसल्स होती है वो सबसे ज्यादा अहम होती है क्यों सर क्योंकि ये वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है पौधों में रसा का स्पंदन सिद्धांत किसने दिया पादपों में रसा का

आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो है जगदीश चंद्र बोस ने मेरे दोस्तों सबसे पहले काम किया था ठीक है इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और भी ठीक है ना भारतीय टेलीग्राफ पौधे के ऊपर इन्होंने काम किया था मेरे दोस्तों याद रख लेना किसने जे सी बोस ने कौन से पौधे पर भारतीय टेलीग्राफ प्लांट पर ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला प्रश्न है जल का मूल रोम से जाइलम तक पार्श्वीय प्रवाह किस पथ के द्वारा होता है मेरे दोस्तों आपने वाटर का लेटरल फ्लो जरूर पड़ा होगा पार्श्वीय प्रवाह लेटर फ्लो ऑफ वाटर याद रखना वाटर का जो लेटरल फ्लो है मेरे दोस्तों वो हमेशा तीन पाथवे से होता है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे यानी रसधानी पथ ये तीनों ही पथ मिलकर के मेरे दोस्तों वाटर का लेटरल फ्लो करते हैं तो याद रखना मूल रोम से जल जो है मेरे दोस्तों वो ज़ाइलम तक इन तीनों पाथवे से ही प्रवेश करता है ठीक है अगले ऑप्शन पे चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे दोस्तों द ब्लैंक्स का पादपों में जल के सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति मेरे दोस्तों कहाँ पर होती है आपने पढ़ा होगा कि जब भी प्लांट वाटर को एब्जर्व करता है सक्रिय रूप से जब वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो रूट के अंदर ही जनरेट होता है अगला प्रश्न है वो है कि मूल दाब को मापने के लिए आप कौन सा यंत्र काम में लेते हो तो यंत्र का नाम है मेरे दोस्तों मेनोमीटर अगला जो क्वेश्चन है वो है सर सी बोस ने स्पंदन सिद्धांत के लिए मेरे दोस्तों स्पेसिफिक कौन से पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे मैंने अभी बताया था भारतीय टेलीग्राफ प्लांट ठीक है ना गायरेनस याद रख लेना ये नाम वेरी वेरी मोस्ट है मैं इसके ऊपर एम डाल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आने लायक चीज है इसी तरह से मेरे दोस्तों एक लेटरल फ्लो को लेकर के भी मैं एम डाल रहा हूँ क्योंकि लेटरल फ्लो को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटरल फ्लो के कौन कौन से पथ है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट और वेक्यूलर और एक इस टॉपिक से मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका बनता है ससंजनवाद ठीक है ना यानी ट्रांसपाइरेशन पुल थ्योरी किसने दी थी ट्रांसपाइरेशन पुल थ्योरी यानी रसारोहण का ससंजनवाद सिद्धांत किसने दिया था डिक्सन और जोली ने ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ शाबाश बच्चों आप आंसर दे रहे हो ठीक है और मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ ठीक है करीब करीब मेरे दोस्तों बारह बजे से भी रात का ज़्यादा का समय है और आपके लिए ये पेपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पूरे दिन भर क्लास चलती है शाम को आपके लिए लाइव रिकॉर्ड क्लास करते हैं और भी कुछ न्यूज़ के वीडियोस बनाते हैं तो बच्चों आपके लिए मैंने मेरे बहुत ही कीमती समय को निकाला है ठीक है और मैं आप सभी से और आपके अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को किसी भी कंडीशन में छोड़े नहीं चाहे मेरे दोस्तों कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए हम जानते हैं कि कोविड की परिस्थिति है और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लेकिन इसका आपके पढ़ाई पर असर नहीं होना चाहिए इसका आपके मनोदशा पर असर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों द वे बहुत से बच्चे पहले हो सकता है लाइब्रेरी जाते थे और उनका उनका शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा लेकिन अब वापस से शेड्यूल बना लीजिएगा मेरे दोस्तों ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे क्योंकि इतना नज़दीक आ कर के जब अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी दिक्कत भी होती है मेरे दोस्तों तो इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों फ़िलहाल एग्ज़ाम की डेट को तेईस जनवरी मान कर के ही पढ़ाई करें और हम तो यही इस वर्ष से दुआ करेंगे कि आपके आगामी दो तीन दिनों में एडमिट कार्ड जारी हो और 23 जनवरी को एग्ज़ाम हो फिर भी मेरे दोस्तों कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और अगर चार पाँच दिन के लिए या सप्ताह के लिए एग्जाम आगे डिले होता है तो भी ज़्यादा घबराना नहीं है आपको ठीक है आपको अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है मेरे दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा ठीक है आपको बस पढ़ाई करनी है हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि इस बार मेरे दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और सीटें बहुत ज्यादा है ये सुनहरा मौका है ये गोल्डन चांस है हाथों से जाने मत देना मेरे दोस्तों आग्रह करता हूँ निवेदन करता हूँ तो देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लांट में वाटर एब्जर्व को लेकर के ये मैंने आज से दो तीन दिन पहले आपको बता दिया था ये मेरे दोस्तों जो है जल के परिवहन पथ है इनको लेकर के तो क्वेश्चन पक्का आएगा आप मान के चलना लेटरल फ्लो एक तो एपोप्लास्ट पथ है मेरे दोस्तों एक है सिम्प्लास्ट और एक है वैक्यूलर इंडस्तानी एपो प्लास्ट पाथ किस तरह का पाथवे हुए मेरे दोस्तों तो याद रखना ये निर्जी उपथ है कौन सा सजी उपथ है फिर तो वो सिम्प्लास्ट है मेरे दोस्तों याद रखना ठीक है ना सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेरे दोस्तों एपोप्लास्ट में ऊर्जा की जरूरत नहीं रहती सिम्प्लास्ट में ऊर्जा की जरूरत रहती है ठीक है और मेरे दोस्तों एपोप्लास्ट के अंदर जो है वो जल निर्जीव कोशिका भित्ति और इसके अलावा कोशिकाओं के बीच जो अंतरा की अवकाश है इनसे होकर के आगे परिवहित होता है लेकिन सिम्प्लास्ट के अंदर मेरे दोस्तों परासरण विधि से जल आगे परिवहित होता है ठीक है और रसदानी पथ में मेरे दोस्तों जल टोनोप्लास्ट यानी जो रसदानी की झिल्ली है उससे होता हुआ अगली कोशिका की रसदानी में पहुँचता है और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यह रसा रोहन के सिद्धांत है आप देखिएगा रसा रोहन के टोटल तीन सिद्धांत है जैव बल मूल दाब और भौतिक बल भौतिक बल सिद्धांत के अंदर ही मेरे दोस्तों जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी ठीक है ना अगर आपसे कहे कि रसा रोहन का मेरे दोस्तों सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अगर कोई सिद्धांत है तो याद रखना वो है डिक्सन एंड जोली का पुल थ्योरी ठीक है याद रखना मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण तो बात है आपके काम की बात है अब अपन बात कर रहे हैं वास्पो उस सर्जन की देखिएगा मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा वास्पोन वाष्पो उत्सर्जन वास्पो किस भाग से होता है बताओ देखें सबसे ज्यादा वास्पो उत्सर्जन रंध्रों से होगा वात रंध्रों से होगा कि जल रंध्रों से होगा जल्दी बताओ देखें मैं तुरंत आंसर चाहता हूँ वात रंध्र तो मेरे दोस्तों तने पर पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं उनको बोलते हैं और रंध्र पर्ण के ऊपर जो रंध्र होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है याद रखना अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है मंड सरकरा की परिकल्पना किसने दी थी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है इस तरह का साइंटिस्ट को लेकर के एक प्रश्न इस टॉपिक से कई बार आता है मेरे दोस्तों और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जेडी साइरे जेडी साइरे ने मेरे दोस्तों जो है मंड सरकरा परिकल्पना दी थी यानी स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस दी थी इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है पौधों में ट्रांसपिरेशन के लिए कितने प्रकार है तो प्लांट में मेरे दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की अपन जब भी बात करते हैं तो उसके अगर प्रकार को लेकर के आप बात करते हैं तो एक तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि सर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं छोटे-छोटे रंध्र पाए जाते हैं और उनके द्वारा ये क्रिया होती है दूसरा मेरे दोस्तों पौधों पर जो है वातरंद्र भी पाए जाते हैं ठीक है न दोस्तों ये भी आपने पढ़ा होगा और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात और भी रखना चाहता हूँ कि जब भी आप आपको वास्पो उत्सर्जन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रख लेना एक बात कि वास्पो उत्सर्जन की क्रिया प्लांट के लिए ये कई बार कहा जाता है क्या पौधे के लिए ये एक आवश्यक बुराई है जी हाँ वाष्पो की क्रिया पौधे के लिए एक आवश्यक लेकिन बुराई है क्यों भाई आवश्यक तो इसलिए है कि वास्पो ही वो घटना है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर वाटर का जो है सर्कुलेशन होता है वाटर रूट से निकल करके पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचता है ठीक है लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस से प्लांट के अंदर का वाटर मेरे दोस्तों बाहर रिलीज होता है जिससे वाटर की प्लांट में डेफिशिएंसी होती है कमी आती है ठीक है ये बात भी आपको याद रखनी है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो तीन प्रकार का हुआ। अगला है जल रंध्र पाए जाते हैं जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं बताओ देखें जल रंध्र पत्ती की तट तट पर होगा कि पत्ती की ऊपर की सरफेस पर होगा कि लोअर सरफेस पर होगा कि साल पर होगा याद रखना मेरे दोस्तों लीव्स जो होती है उसकी जो तट रेखा होती है यानी बाहरी जो मार्जिन होती है उसके ऊपर जो है वो जलरंध्र यानी हाइडा थोड़ पाए जाते हैं अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों उसके ऊपर चलते हैं वो है कि वाष्पो किसे कहते हैं ये आप सभी को पता है वाष्पो उत्सर्जन मेरे दोस्तों पौधे की किसी भी वायवीय भागों से जल का वाष्प वाष्प के रूप में निकलना ही क्या है वाष्पो उत्सर्जन है अब बात घटेशन की करते हैं बात बिंदु श्राव की करते हैं तो देखते हैं बिंदु श्राव क्या है मेरे दोस्तों आपने देखा होगा जो लीफ होती है लीफ की जो मार्जिन होती है मेरे दोस्तों उस मार्जिन पर आपने छोटी छोटी वाटर की मेरे दोस्तों ड्रॉपलेट जरूर देखी होगी ठीक है ना तो लीफ की जो मार्जिन पर वाटर की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट है यानी जल की जो छोटी छोटी बूंदे हैं मेरे दोस्तों वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो जल बार आ रहा है उसी को अपन बिंदु स्राव कह रहे हैं तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव दोनों में से वह कौन सी प्रोसेस है जो मेरे दोस्तों स्टोमेटा से होती है तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन मेरे दोस्तों लीफ के ऊपर पाए जाने वाले स्टोमेटा से होने वाला प्रोसेस है ठीक है लेकिन गटेसन की प्रोसेस मेरे दोस्तों जो लीफ की मार्जिन होती है उनसे होने वाला प्रोसेस है ठीक है इसके बाद में मेरे दोस्तों और भी काफी क्वेश्चन है जल रंध्र के बारे में भी क्वेश्चन है कि जल रंध्र किस अवस्था में पाए जाते हैं तो जल रंध्र तो मेरे दोस्तों हमेशा खुले ही रहते हैं अभी आप बात कर रहे थे कि वाष्पोत्सर्जन के सर प्रकार की बात कर लो तो देख लो आप यह वाष्पोत्सर्जन है मेरे दोस्तों और मैंने अभी कहा था कि रंद्रिय वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है तो यह है स्ट्रोमेटल ट्रांसफाइरे मेरे दोस्तों रंद्रिय वाष्पो उत्सर्जन जो कि पौधों में नब्बे से लेकर सैतानवे परसेंटेज तक होता है एक है क्यूटिकल ट्रांसफाइरेशन मेरे दोस्तों तो क्यूटिकल ट्रांसफाइटेशन की जब अपन बात करते हैं तो यह मेरे दोस्तों जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल होती है जो कि पानी की हानि को रोकने का काम करती है और यह लगभग तीन से दस प्रतिशत होता है अब है वात है जो अब्स ट्रांसपाइसन इसमें मेरे दोस्तों कुछ पौधे के स्तंभ या जो मेरे दोस्तों तना होता है उसके उसके ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते, है, होते हैं सिद्ध होते हैं उनसे जो वास्प उत्सर्जन होता है उसे मेरे दोस्तों वातरंद्रिय वास्पोसर्जन कहते हैं अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था और वो ज्यों का हो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आप वास्पोसर्जन एक आवश्यक लेकिन बुरा ही है ठीक है क्या ये बात सही है बिल्कुल सही क्यों है क्योंकि वास्पोसर्जन से पौधे को लाभ भी है और हानि भी है हानि तो एक ही है कि पानी की कमी हो रही है लेकिन लाभ क्या है इससे पौधे के अंदर मेरे दोस्तों वाटर और मिनरल का जो है एक तो अवशोषण हो जाता है साथ ही साथ मेरे दोस्तों सर्कुलेशन भी हो जाता है और तापमान रेगुलेशन भी हो जाता है याद रखना इसके बाद में मेरे दोस्तों आगे बिंदु श्राव और ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी दी है ठीक है ये तीन संकल्पना है आपको याद रखनी है जो एक कोई भी मेरे दोस्तों लीफ होती है तो उस लीफ के ऊपर जो है मेरे दोस्तों स्टोमेटा पाए जाते हैं रंध्र और रंध्र को बनाने वाली जो ये सेल है मेरे दोस्तों इन्हें हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं क्या कहते हैं द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं गार्ड सेल के बाहर जो ये सेल दिख रही है मेरे दोस्तों इन सेल को हम मेरे दोस्तों एसेसरी एस सेल या सायक कोशिका कहते हैं याद रखना यह है गार्ड सेल रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका और द्वार कोशिका के साइड में किस प्रकार की कोशिका है मेरे दोस्तों सहायक कोशिका ठीक है ना और यही वो सेल है जिनमें साइड से वाटर एंटर करता है और ये फूल जाती है और मेरे दोस्तों स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो स्टोमेटा के ओपन होने का जो प्रोसेस है ठीक है ना मेरे दोस्तों उसे यहाँ पे दो तीन सिद्धांतों से समझाया गया है जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है मेरे दोस्तों स्टार्च सुगर संकल्पना मंड सरकरा संकल्पना या ये किसने दी थी जेडी सायरे ने एक मेरे दोस्तों स्टीवार्ड संकल्पना है जो कि स्टीवार्ड ने दी थी लेकिन आज के समय में मेरे दोस्तों रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो प्रोसेस है उसे समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रचलित है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत याद रखना और यह सिद्धांत दिया किसने भैया तो यह सिद्धांत दिया था दो साइंटिस्टों ने इमा मूरे एंड फ्यूजिनो इन्होंने मेरे दोस्तों सक्रिय पोटेशियम आयन स्नानांतरण सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अंदर समझाया गया था कि दिन के समय मेरे दोस्तों पौधों के अंदर जो रंध्र है वो खुलते हैं जिसमें पोटेशियम का बहुत बड़ा योगदान होता है याद रखना मेरे दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पादपों में खनिज पोषण वैसे खनिज पोषण को लेकर के क्वेश्चन मैंने एक दिन आपके सामने रखे थे इसलिए मैं बार-बार यही क्वेश्चन दोबारा नहीं रखना चाहता फिर भी इन प्रश्नों को देख लेना सबसे पहला है कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं तो इसमें आपके सामने है मेरे दोस्तों इसके बाद में पर्ण रीत में कौन सा घटक पाया जाता है मैंने आज ही बताया था आपको मैग्नीशियम फिर मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या था मेरे दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन लघु पर्ण रोग किस तत्व से होता है लघु पर्ण रोग जिंक की कमी से होता है ठीक है ना तो ये चीजें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ठीक है, है मेरे दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक डिजीज पढ़ाई थी फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से वी टेल डिजीज कहते हैं उसको मेरे दोस्तों और पर्ण हरित के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं हरिमा हीनता कहते हैं मेरे दोस्तों याद रखना और ये एम सी क्यू भी है देखो एम सी क्यू क्यों है देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती है वह किसके अंदर चलती है प्रकाशी अभिक्रिया मेरे दोस्तों एक हरित लवक के ग्रेना में चलती है जबकि डायरेक्ट रिएक्शन या जो अप्रकाशिक विक्रिया है वो स्ट्रोमा में चलती है तो याद रखना प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ही जल का अणु टूटता है और उसमें मैग्नीजियम मैग्नीज और क्लोराइड आयन की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है ठीक है मेरे दोस्तों तो यह भी आपको ये डिटेल आपको क्या रखनी पड़ेगी याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों ठीक है ना तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है मैं समय समय पर इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा लेकिन जाते जाते एक अनुरोध आपसे करके जा रहा हूँ और वो ये है मेरे दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस प्रकार की सारी पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है विजय न्यूज़ डॉट कॉम उसके ऊपर आपको मिलेगी मेरे दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर खरीदने हैं ूसन बैंक लेनी है तो हमारी टीम ने मेरे दोस्तों इसी प्रकार के जैसे ये आपको क्वेश्चन बैंक दिख रही है इसी तरह की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रश्न बैंक तैयार की है यदि आप लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों नाइन्टी नाइन रुपीज़ गूगल पे फोन पे या पेटीएम किसी भी ऑनलाइन मेथड से इस नंबर के ऊपर नाइन एट टू एट सेवन टू वन टू टू नाइन इस पे आप जो है निन्यानवे रुपये ऑनलाइन भेज करके उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके और आप अपने व्हाट्सअप नंबर पर इसी नंबर से वापस पी ले सकते हैं ठीक है मेरे दोस्तों तो आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय